इस शो के अंदर कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो स्पेस में जाने का एक प्ले कर रहे थे, जो अंतरिक्ष में मौजूद किसी शैतान से लड़ाई कर रहे होते हैं, और ये पूरी साइंस फिक्शन मूवी इसी सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर बेस्ड थी। सारे लोगों ने इस शो को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया और काफी ऊंचाई पर लेकर गए। मूवी के अंदर मौजूद सारी कैरेक्टर्स काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। कई लोगों को तो ऐसा भी लगने लगा था कि वो सारे कैरेक्टर्स रियल में स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं और एलियन से पृथ्वी को बचाते हैं, लेकिन वो सब तो सिर्फ एक्टर्स थे जिन्होंने मूवी में एक्टिंग की थी। अब उस पूरी टीम में जेसन नाम का एक आदमी था जो कि उनका कमांडर होता है। हालांकि शो को खत्म हुए अब कई महीने बीत चुके थे, सभी लोग धीरे धीरे बाकी एक्टर्स को तो भूलने लग जाते हैं, लेकिन जेसन ने अपना नाम अभी तक बना कर रखा था। सभी लोग उसकी पर्सनालिटी और कॉमेडी टाइमिंग देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, जिससे कि आज तक जेसन लोगों के दिलों में छाया हुआ था। जेसन ने तो अब अपने बाकी को एक्टर्स को भी ज्यादा भाव देना बंद कर दिया था, क्योंकि सारी जनता अब जेसन को ही पसंद करती है। ये बात बाकी एक्टर्स को भी समझ में आ चुकी थी कि जेसन बदल चुका है और वो सिर्फ अब अपने बारे में सोच रहा है। इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं जेसन से, लेकिन जेसन तो अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने से थक ही नहीं रहा था। वो तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने फैंस को खुश करता है। अब अपने फैंस को लगातार ऑटोग्राफ देते दौरान उसके सामने कई सारे लोग आते हैं जिन्होंने अजीब तरीके के कपड़े पहने थे। ये वही कपड़े होते हैं जहां जेसन और उसके टीम ने मूवी के अंदर पहना था। वो लोग जेसन से कह रहे थे कि हमें आपकी जरूरत है, इसीलिए आपको हमारे प्लैनेट पर चलना पड़ेगा। यहां जेसन को लगने लगा कि शायद ये लोग उसे एक दूसरा शो ऑफर करने के लिए बुला रहे हैं। अब जेसन के पास शो खत्म होने पर कोई और काम बचा नहीं था, इसीलिए उसने उन लोगों को कह दिया था कि मैं तुम्हारे शो में काम करने के लिए तैयार हूँ। और अब जेसन लगातार ऑटोग्राफ देने में बिजी हो गया। तभी जेसन को कुछ लोग बातचीत करते हुए दिखाए जाते हैं जो कह रहे थे कि जेसन को तो अब कोई काम नहीं मिल रहा, वो तो अब पूरी तरीके से एकदम बेरोजगार हो गया है। जेसन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो सीधा अपने दोस्तों के पास चला गया था। लेकिन अब जेसन के सेल्फिश होने के कारण उसके दोस्त भी उससे कुछ बात नहीं करते। इन सारी चीजों की वजह से जेसन का दिमाग काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। अब उसके पास कुछ बच्चे आते हैं जिनमें से एक लड़का जेसन का काफी बड़ा फैन था। उसने जेसन की हर एक सारी मूवमेंट पर नजर रखी होती है कि कैसे उसने मूवी में परफॉर्म किया। वो तो जेसन को वहाँ मौजूद सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन इस समय जेसन का दिमाग बहुत ही बेकार था, इसीलिए वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग चौंक गए थे जेसन के इस दुर्व्यवहार को देखकर। अब जेसन आ गया था अपने घर पर और ड्रिंक्स पीकर वहीं सो जाता है। सुबह होने पर उसके घर पे वही सारे लोग आए थे जो उसे प्लैनेट पर जाने के लिए कह रहे होते हैं। जेसन ने अब डिसीजन ले लिया था कि वो इनके साथ जाकर इनका शो करेगा, और अब वो सारे लोग जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे वो जेसन को तैयार करते हैं और उसे अपनी कार में बिठाकर लेकर जाने लगते हैं। जेसन को तो अभी भी यही लग रहा था कि ये लोग एक दूसरा शो कराने जा रहे हैं जो बहुत ही हिट होगा। वो बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ चल देता है कार के अंदर, और अब अगले ही मोमेंट में उन लोगों की कार थोड़ा सा आगे जाकर एकदम से गायब हो गई थी, जैसे कि वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो चुकी हो। जब थोड़ी देर बाद जेसन ने अपनी आंखें खोली तब वो अपने आप को बहुत ही अजीब जगह पर पा रहा था। जेसन को लग रहा होता है कि ये सारी चीजें उनका बनाया गया सेट है जो मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, लेकिन जेसन को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये सारी चीजें नकली नहीं बल्कि रियलिटी हैं, और ये सारे लोग जो दिख रहे होते हैं वो इंसान नहीं बल्कि एलियंस का रूप है, जो इंसानों के प्लेनेट पर जाने के लिए उन्होंने इंसानों का ही रूप लिया था। जेसन तो एकदम एटीट्यूड में जाकर पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। तब जाकर वो सारे एलियंस जो कि इंसानों के रूप में थे वो बता रहे होते हैं कि हमारे प्लेनेट पर एरियल नाम के एक खतरनाक दुश्मन ने हमला कर दिया है और आपको किसी भी तरीके से उसे खत्म करना है और हमें बचाना है। उन एलियंस ने जेसन को उसका सीट दिखाया जहां पर कमांडर बैठते हैं, और अब जेसन एकदम स्टाइल में जाकर बैठता है और बताता है कि लाओ उस दुश्मन को मेरे सामने, यानी कि वो अभी से ही अपने कैरेक्टर के अंदर घुस गया था जैसे कि सच में कोई शूटिंग चालू हो गई हो। अब यहाँ बड़े से स्क्रीन पर वही खतरनाक एलियन आता है जिसका नाम एरियल था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना होता है। अब वो खतरनाक एलियन कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी एडवांस मशीन है जो एक बहुत ही खतरनाक वेपन थी और उससे टाइम को चेंज किया जा सकता है। एरियल नाम के उस एलियन को वही मशीन चाहिए थी जिससे कि वो उसे यूज कर सके, लेकिन अब जेसन जो अपने फ्लो में था और उसे लग रहा था कि वो इस शो का हीरो है, वो एलियन को कहता है कि तुम्हें कोई भी मशीन नहीं मिलेगी और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जेसन ने वहाँ पर मौजूद लोगों से कहा कि उस एलियन पर हमला करो और उसके जहाज को डिस्ट्रॉय कर दो। सभी लोग जेसन से कंफर्म कर रहे थे कि क्या हमें ये रियल में करना है। जेसन कहता है कि करो और मेरे कमांड को फॉलो करो। जेसन के कहते ही वो सारे एलियन जो इंसान में कन्वर्टेड थे वो हमला कर देते हैं उस खतरनाक एलियन पर।
उस एलियन की एक स्पेसशिप तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, यानी कि उस समय के लिए वो लोग ये जंग जीत जाते हैं। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे जेसन के इस कमांड की वजह से, क्योंकि उसके गाइड करने के बाद ही वो सारे लोग उस खतरनाक एलियन को हरा पाए हैं। अब यहाँ जेसन को लग रहा था कि शूटिंग करते हुए ज्यादा टाइम हो चुका है, इसीलिए वो वापस घर जाना चाहता था। वो उन सारे लोगों से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लेना। उन एलियंस ने जेसन को एक छोटा सा कम्युनिकेशन डिवाइस दिया होता है जिससे कि वो कनेक्ट हो सके और उन्हें वापस बुला सके। जेसन को तो अभी तक यही लग रहा था कि वो किसी शूटिंग वाले सेट पर है और अब वापस घर जा रहा है। एलियंस ने जेसन को घर भेजने के लिए एक रूम में बंद कर दिया, जिसके तुरंत ही बाद उसकी पूरी बॉडी पर जेली टाइप सब्सटेंस बनने लगते हैं। जेसन को कुछ समझ ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, और अब उसे स्पेसशिप से बाहर निकाला गया जो पूरे ब्रह्मांड की झलक देखता है। यहाँ पर जेसन को रियलाइज हुआ कि वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में एलियंस के स्पेसशिप पर है, और अब जो जेली टाइप सब्सटेंस थी वो उसे लेकर एक ब्लैक होल में चली जाती है। ब्लैक होल से होते हुए बड़ा रास्ता तय करने के बाद जेसन डायरेक्टली पहुंच चुका था अपने पृथ्वी यानी कि घर पर। ओ जेसन की तो पूरी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने ये सारी चीजें एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। वो तो इसे एक शो की शूटिंग मान रहा था, लेकिन ये रियलिटी में एलियंस होते हैं। ये सारी बातें अब शायद जेसन को पता चल चुकी थी। जेसन तो तुरंत ही अपने दोस्तों के पास चला गया था ये बताने के लिए कि मैंने एलियंस को देखा है और मैं खुद उनकी स्पेसशिप पर जाकर आया था। पर जेसन के सारे दोस्त उससे बहुत ज्यादा नाराज थे, इसीलिए वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं करते। अब जेसन को अचानक रास्ते में वही लड़का मिला था जो उसका बहुत बड़ा फैन होता है। उससे टकराने के बाद एलियन द्वारा दिया गया जेसन को कम्युनिकेशन डिवाइस उस लड़के के साथ चेंज हो जाता है, पर इस बात का जेसन को कुछ अंदाजा ही नहीं था। अब हमें यहाँ स्पेसशिप में दिखाया गया कि उन एलियंस के ऊपर एरियल नाम का वो खतरनाक एलियन हमला करने जा रहा है। वो तो अपनी बड़ी सेना लेकर आ गया था मशीन को हासिल करने के लिए, इसीलिए अब वो एलियंस वापस आ जाते हैं जेसन को बुलाने के लिए क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत थी। अब जेसन के सारे साथी अनजान लोगों को देखकर समझ रहे थे कि शायद जेसन को एक नया शो ऑफर हुआ है। उन्हें भी अब शो करना था, इसीलिए वो जेसन के साथ जाने का डिसाइड करते हैं। सभी एलियंस जेसन और उसके साथियों को टेलीपोर्ट करके अब स्पेसशिप पर लेकर आ गए होते हैं। जेसन के सारे को-स्टार को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब कहां पर मौजूद हैं। तभी उनके सामने वही ऑक्टोपस वाले एलियंस आते हैं जिन्होंने इंसानों का रूप धारण किया था। जेसन के सभी दोस्त इन एलियंस को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये सब उनके लिए पहली बार हो रहा था। अब वो ऑक्टोपस वाले एलियंस वापस अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और उनसे सॉरी कहते हैं कि उनका डराने का कोई भी मकसद नहीं था। जेसन भी वहां आ गया था जो अपने साथियों को कहने लगा था कि ये सारी चीजें रियलिटी में है जो कि मैं तुम्हें शुरुआत से कह रहा था, पर अब हमें मिलकर इन एलियंस की मदद करनी होगी इनके वजूद को बचाने के लिए। जेसन तो उन एलियंस से अपने नए मिशन के बारे में बात करने लगा, पर उसके सभी साथी अभी भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब जेसन के कुछ साथी उससे बुलाकर पूछ रहे थे कि आखिरकार ये एलियंस हमें क्यों यहाँ पर लेकर आए हैं, हम तो रियलिटी में कोई एस्ट्रोनॉट्स है भी नहीं, हम सभी एक्टर्स थे जो मूवी में एक्टिंग करते थे। वहाँ पर तो अब बाकी सारे एलियंस भी आ जाते हैं जो इस मिशन को परफॉर्म करेंगे। जेसन के टीम में से एक ब्लैक वाला आदमी एलियन से पूछ रहा था कि आखिर आप सभी लोग हमें कैसे जानते हो। तब जाकर उन लोगों ने बताया कि सालों पहले जब एरियन नाम की उस खतरनाक एलियन ने हमला किया था तब हम ब्रह्मांड में घूम रहे थे अपनी मदद के लिए, बल्कि था इसका उल्टा ही क्योंकि वो सारे तो सिर्फ एक्टर्स थे। अब वो सारे एलियंस ने बताया कि वो खतरनाक एरियल अपनी पूरी सेना के साथ हमारे ऊपर हमला करने वाला है क्योंकि उसे ओमेगा 13 नाम की एक बहुत ही पावरफुल मशीन चाहिए जिसका यूज वो अपने लिए कर सके। इसीलिए अब एलियंस जेसन और उसके सभी साथियों को कंट्रोल रूम में लेकर आ गए थे जो स्पेसशिप को कंट्रोल करेंगे। बट यहाँ पर तो उन लोगों को कुछ आता ही नहीं था क्योंकि उन लोगों ने शो में सिर्फ एक्टिंग की थी। सभी लोग तो जेसन का चेहरा देखने लगे थे कि हमें करना क्या है। तब जाकर जेसन उन्हें चुपके से बताता है कि हमने जो शो में किया है वही करना है। और अब एक दूसरा आदमी जो कि स्पेसशिप को कंट्रोल कर सकता था वो हैंडल पकड़ता है और एकदम कार की तरह कंट्रोल करने लग जाता है, जिससे कि स्पेसशिप रियलिटी में उड़ने लगी थी और स्पीड में जाने लगी थी। और अब उन्हें इसी तरीके से आगे बढ़ना ही पड़ेगा भले ही उनके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। तभी अचानक उनके पास एरियल नाम की उस खतरनाक एलियन का वीडियो कॉल आता है जिसमें कि उसने कई सारे मासूम एलियंस की जान ले ली थी। और अब उसका अगला निशाना है उनका स्पेसशिप जिनके पास ओमेगा 13 नाम का मशीन मौजूद है। ये सारा खून खराबा देखकर जेसन के सभी साथी बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं।
लेकिन उन्हें भी पता था कि यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बाहर एरियल अपनी सेना के साथ मौजूद था और वो ब्रह्मांड के एक दूसरे कोने में थे। अब अगले ही मोमेंट में एरियल और उसके सारे सेनाओं ने उनकी स्पेसशिप पर हमला कर दिया, जिससे कि उनकी स्पेसशिप में हलचल होने लग जाती है। डर के मारे जो स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेटर दे देता है, जिससे कि स्पेसशिप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। इतना ज्यादा स्पीड होने के कारण उनके जनरेटर्स एकदम से खराब हो जाते हैं, और तो और वो स्पेसशिप से एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां काफी सारे एस्टेरॉयड उनसे टकराते रहते हैं। हालांकि वो सब एरियल नाम की उस खतरनाक एलियन की सेना से काफी दूर आ चुके थे, बट तभी जेसन के टीम का एक आदमी टॉमी कहता है कि हमले की वजह से हमारे बूस्टर्स खराब हो चुके हैं, और वो बूस्टर सिर्फ और सिर्फ पास ही वाले प्लैनेट से ही मिल सकते हैं, पर वहाँ एलियंस को जाना एकदम से मना था, यानी कि उस जगह पर सिर्फ हमें ही जाना पड़ेगा और बूस्टर्स को लाना पड़ेगा। इसीलिए अब जेसन के टीम में मौजूद लिंडा नाम की एक लेडी डिसाइड करती है कि हमारी टीम वहाँ जाएगी और बूस्टर लेकर आएगी। जल्द से जल्द वो एक छोटे स्पेसशिप में बैठकर उस प्लैनेट पर आ जाते हैं जो पूरी तरीके से बंजर थी। वो सब नीचे उतरकर बूस्टर को ढूंढने लग जाते हैं। लिंडा और बाकी लोग देखते हैं कि उस जगह पर कई सारे छोटे छोटे एलियंस मौजूद थे, जो भले ही दिखने में छोटे होते हैं लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक थे। उनका अगर कोई भी साथी घायल या फिर मर जाता तब सभी मिलकर उसे खा लेते। अब लिंडा जेसन अपनी टीम के साथ लगातार उस बूस्टर को ढूंढने लग जाते हैं, जिससे कि स्पेसशिप ठीक हो पाएगी। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद वो बूस्टर उन्हें मिल भी जाता है, पर बदकिस्मती की बात थी कि उन छोटे एलियंस ने भी उन्हें देख लिया था, जो लगातार उन्हें मारने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ आ रहे होते हैं। जेसन, लिंडा और बाकी लोग जल्द से जल्द बूस्टर को अपने शिप में लेकर जा रहे होते हैं, जिससे कि वो पहुंच जाए अंतरिक्ष में। लेकिन सही समय पर वहाँ उन छोटे एलियंस की सेना आ गई थी, जो जेसन को पकड़कर नीचे खींच लेती है। लिंडा और बाकी लोग अभी के लिए बूस्टर को लेकर अंतरिक्ष में चले गए थे, बट अब उन एलियंस की सेना के हाथ में जेसन मौजूद था। वो छोटे एलियंस तो जेसन को एक बहुत ही बड़े रॉक मॉन्स्टर से लड़ाई करवा रहे थे, जो कि जेसन को उठा उठा कर पटक रहा होता है। यहाँ पर टॉमी को पता चला कि जेसन के बॉडी में एलियंस ने एक ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस फिट कर दिया था, इसीलिए अब जैसे ही रॉक मॉन्स्टर जेसन को जान से मारने जाता, टॉमी उसे टेलीपोर्ट कर लेता है अपने स्पेसशिप के अंदर, यानी कि जेसन की जान अब जाकर बच चुकी थी। लेकिन डरा देने वाली बात तब हो जाती है जब उस खतरनाक ग्रीन एलियंस की सेना ने स्पेसशिप पर हमला कर दिया था। वो लोग तो लगातार अंदर घुसकर सारे एलियंस को अपने कब्जे में ले रहे होते हैं। साथ ही साथ उस ग्रीन एलियन को ये पता चल चुका था कि जेसन और उसके सभी साथी सिर्फ एक एक्टर्स हैं, जिन्हें की सिर्फ एक्टिंग आती थी, और इस बारे में वो उन एलियंस को भी बता देते हैं जो जेसन और उसकी टीम पर भरोसा कर रहे थे। पर तभी अचानक वहाँ बाकी एलियंस की टीम आ गई होती है, लेकिन जेसन इस तरीके से उन एलियंस को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ मिलता है और लगातार ग्रीन एलियंस की सेना से लड़ाई करता है। टॉमी ने तो अब टेलीपोर्ट करके उस रॉक मॉन्स्टर को भी स्पेसशिप में टेलीपोर्ट कर दिया था, जिससे कि रॉक मॉन्स्टर अपने सामने आने वाले सारे ग्रीन एलियंस की सेना को मारने लगता है। वो तो उन्हें लेकर डायरेक्टली अंतरिक्ष में चला गया था, जिससे कि कई सारी ग्रीन एलियंस की सेना खत्म हो जाती है। अब यहाँ जेसन और उसके सभी लोग फंसे हुए एलियंस को छुड़ाते हैं, जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। जेसन अब अपने पास मौजूद कम्युनिकेशन डिवाइस से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसे पता चलता है कि ये तो नकली है। दरअसल जेसन जब पृथ्वी पर था तब उस लड़के से उसका कम्युनिकेशन डिवाइस चेंज हो चुका होता है, यानी कि असली वाला डिवाइस उस फैन वाले लड़के के पास था। लेकिन वो लड़का साइंस फिक्शन मूवी देखने में काफी ज्यादा माहिर था और वो टेक्नोलॉजी में भी काफी अच्छा होता है, इसीलिए अब उसने असली कम्युनिकेशन डिवाइस को कनेक्ट कर दिया था स्पेसशिप से, जिससे कि वो जेसन और लिंडा को सारी जगह बता रहा था कि वो सही रास्ते पर कहां जा सकते हैं। अब चलते चलते जेसन और लिंडा उस मशीन के पास आ जाते हैं जो कि ओमेगा 13 था। यही मशीन वो खतरनाक एलियन पाना चाहता था। वो लड़का बताता है कि ये एक टाइम मशीन है, जिससे कि कोई भी पास्ट या फ्यूचर में जा सकता था, जैसे कि अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो वो पास्ट में जाकर उसे ठीक कर सकते थे। जेसन को भी ये अंदाजा हो जाता है कि अगर ये सारी चीजें उस खतरनाक एलियन के हाथ में लग गई तो वो पास्ट में जाकर कुछ भी कर सकता था। अब जेसन किसी भी तरीके से लिंडा के साथ अपने बाकी साथियों के पास पहुंचता है। वहां ग्रीन एलियंस को जब पता चला कि ये सब अभी भी जिंदा हैं, तब वो लगातार उनके स्पेसशिप पर हमला करने लगे थे। यहां जेसन और उसकी पूरी टीम हमले से बचने की कोशिश करने के लिए भागते रहते हैं, बट अब वो सब एक साथ मिलकर इन सारी चीजों का सामना कर रहे थे।
ग्रीन एलियंस ने तो उनके पीछे कई सारे ब्लॉक्स को लगा दिया था जो टच होते ही ब्लास्ट हो जाएंगे। इसीलिए अब जेसन और उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा चौकन्ना होकर ये प्लान बनाती है कि वो ब्लॉक्स को ग्रीन एलियन के स्पेसशिप पर ही ब्लास्ट करा देंगे। उन्होंने अपने स्पेसशिप की डायरेक्शन बार बार बदली और ग्रीन एलियन के स्पेसशिप से जाकर गुजरे, जिससे कि उनका पीछा कर रहे सारे ब्लॉक्स ग्रीन एलियन की स्पेसशिप से टकरा कर ब्लास्ट हो जाते हैं। और अब देखते ही देखते ग्रीन एलियंस की पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। जेसन और उसकी पूरी एलियन की टीम काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उन लोगों ने मिलकर ये मिशन कंप्लीट कर लिया। थोड़ी देर के अंदर वहाँ टॉमी भी आ जाता है जो सभी के साथ थोड़ा मजे कर रहा था, पर अचानक उसने गन निकाला और जेसन के एक साथी को गोली मार दी। बाद में ये रियलिटी पता चली कि टॉमी और कोई नहीं बल्कि वही ग्रीन एलियन था जिसने कि टॉमी को मारकर अपना रूप धारण करके यहाँ पर आ चुका था। लेकिन अब यहाँ जेसन ने इन सारी चीजों को सुधारने के लिए ओमेगा 13 टाइम मशीन का यूज कर लिया था, जिससे कि वो थोड़ा पास्ट में पहुंच जाता है। और अब जेसन को साफ साफ पता था कि टॉमी ही वो ग्रीन एलियन है, इसीलिए जब टॉमी उनके पास आया तब जेसन उसे जाकर मारने लगता है। फिर बाद में सबके सामने ये रियलिटी पता चली कि टॉमी ही वो ग्रीन एलियन है। ग्रीन एलियन जैसे ही उनके ऊपर हमला करता सभी दोस्तों ने मिलकर उसे मार गिराया था। और अब जाकर उन एलियंस को ग्रीन एलियंस से छुटकारा मिलता है क्योंकि वो पूरी तरीके से सेफ थे। सारा मिशन खत्म होने के बाद जेसन और उसके सभी साथियों को पृथ्वी पर भेजना था, इसीलिए एलियंस ने उनके लिए एक छोटा सा स्पेसशिप का इंतजाम किया होता है जो डायरेक्टली उन्हें ट्रेवल कराते हुए लेकर पृथ्वी के उस शो में आ जाती है जहाँ उनका प्रमोशन हो रहा था। सभी लोग जेसन और उसकी पूरी टीम को इस तरीके से इंटर करता हुआ देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इन सारी चीजों से लोगों को लगने लगा कि ये सब सच में एस्ट्रोनॉट्स हैं और मूवी के अंदर इन लोगों ने रियलिटी दिखाई है, जिसकी वजह से सारी ऑडियंस इन्हें वापस से पसंद करने लगी थी। और अब तो जेसन नहीं बल्कि उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने के बाद तो सारी ऑडियंस डिमांड करने लगी उनके शो के पार्ट 2 का, और अब देखने से लग रहा था कि उनके शो का पार्ट 2 जरूर रिलीज होगा। इस तरीके से ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।